Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Clever Meals. I hope you all are doing good. Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक. तो आज की रेसिपी है हेल्दी बनाना ब्रेड. बनाना ब्रेड का ये हेल्दी वर्जन है क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ों को रिप्लेस किया है हेल्दी चीज़ों से. जैसे कि इसमें मैदा यूज़ नहीं होगा, मैदे के बजाय मैं ओट्स फ्लावर यूज़ करूँगी. ये ओट्स का आटा है और ये बहुत ईजीली बन जाता है. मैं आपको इसको बनाने का क्विक तरीका है वो मैं आपको बता दूँगी. क्विक ओट्स लेकर या इंस्टेंट ओट्स लेके उसको सिर्फ आपने ग्राइंड करना है और ये आपका ओट्स का आटा बन जाता है. लेकिन अगर आप चाहें तो ओट्स की बजाय नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं. मैं ओट्स को सिर्फ इसलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि इसका जो आटा है वो थोड़ा सा लाइट होता है और दूसरा वाला आटा थोड़ा सा डेंस होता है. बट इट्स टोटली ओके अगर आप गंदम का आटा यूज़ करना चाहें. इसके अलावा हमें 3 फुली राइट बनाना चाहिए, पूरी तरीके से इस तरह से पके हुए 3 बनाना चाहिए मीडियम साइज के. 1 teaspoon बेकिंग सोडा चाहिए, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 teaspoon सिनेमन पाउडर मतलब कि दालचीनी का पाउडर, और आपको 2 pinches ऑफ सॉल्ट चाहिए. 1/2 cup आपको योगर्ट चाहिए. आपने गाढ़ा वाला दही लेना है या फिर आप ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं. 1 tablespoon आपको वनीला एक्स्ट्रैक्ट चाहिए और आपको 1/2 cup ऑफ नट्स चाहिए. मुझे वॉलनट्स पसंद है तो मैंने वॉलनट्स चूज़ किए. आप कोई भी नट्स चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इनको रिप्लेस करके चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं. और ये मेरे पास 1 tablespoon स्वीटनर है, स्टीविया स्वीटनर या फ्रूट मॉन्क, किसी भी किस्म का आप स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1/4 cup ऑफ हनी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास हनी इजीली अवेलेबल है तो हनी इज़ ओके, लेकिन मेरे पास स्वीटनर भी था तो मैं स्वीटनर को हनी पे प्रेफर करूँगी. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. अब हम लोग क्विकली इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं. ऑल राइट, तो मैंने 3 बनानास को पील कर लिया और अब मैं इसको फोर्क की मदद से मैश करूँगी. ऑल राइट, तो बनानास मैश हो गए हैं. आपने इसको फोर्क से करना है ताकि इसमें थोड़े थोड़े से मोटे मोटे चंक्स रहें. इसको बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं बनाना है. और इसके बाद हमने इसके अंदर 1/2 cup ऑफ योगर्ट डाल देनी है, 1 tablespoon वनीला एक्सट्रैक्ट, और आपने इसको मिक्स कर लेना है. ऑल राइट, और नेक्स्ट आपने एक लार्ज मिक्सिंग बोल ले लेना है और इसमें हम 1.5 cup ऑफ ओट्स फ्लावर का ऐड करेंगे. टू pinches ऑफ सॉल्ट, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon सिनेमन पाउडर. साथ ही मैं अपना ये फ्रूट मॉन्क ऐड कर दूंगी. अगर आप चाहें तो हनी ऐड कर सकते हैं. और अब मैं इस सबको मिक्स कर लूंगी. ऑल राइट, अब मैं इस मिक्सचर को ड्राई मिक्सचर के अंदर मिक्स करूंगी. तो इस सबको मिक्स करने के बाद ये जो हमारे पास नट्स हैं मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं थोड़े से बचाऊंगी टॉपिंग के लिए. ऑल राइट, तो मेरा ये मिक्सचर रेडी है. अब मैं इसको अपने लोफ पैन में ट्रांसफर कर लूंगी. आप कोई भी बेकिंग पैन किसी भी शेप का किसी भी साइज का आप यूज कर सकते हैं. और इसके लिए टेम्परेचर आपको 118 degrees Celsius चाहिए और 45 minutes इसको बेक करने के लिए लगेंगे. और आप 15 minutes पहले अपना ओवन ऑन कर लेंगे ताकि वो प्री हीट हो जाए. 180 degrees Celsius फॉर 45 minutes. इसको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया बेकिंग पेपर लगाकर. अब मैं इसमें अपना मिक्सचर ऐड कर देती हूँ. तो अब जो मैंने थोड़े से नट्स बचा लिए थे इनको मैं ऊपर टॉप कर दूंगी. और अब ये ओवन में जाने लगा है फॉर 45 minutes 180 degrees Celsius. ऑल राइट, तो ये बेक हो चुका है और अब मैं इसको कूलिंग रैक पे ट्रांसफर कर लेती हूँ. जी अब हम इसको कट कर लेते हैं. मैंने इसको कट कर लिया. अब आप देखिए इट्स सो फ्लफी एंड सो स्मूथ एंड वेरी वेरी यमी. आई होप यू गाइस लाइक दिस अमेजिंग हेल्दी बनाना ब्रेड रेसिपी. अपने डिजर्ट्स के ऑल्टरनेट आप इसको यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप इसका एक स्लाइस ब्रेकफास्ट में टी या कॉफी के साथ लेंगे तो इट्स वेरी फिलिंग फॉर यू. तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा. And please subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you next time with a new recipe. Allah Hafiz.